नमस्कार, मैं अभिषेक सर, आपका कृषि मूल्य एकेडमी चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जान चुके थे, उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, समझ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टर्स भी बोला जाता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस या फिर रेसिस्टर्स क्या है, तो देयर आर थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तीन कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस के। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहां फर्स्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे बोल रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़े, कैसे, तो एंड टू एंड मींस इसके एक एंड से, यहां पे देखें इस फिगर से समझे, तो R1 जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के एंड में R2 रेसिस्टेंस के फर्स्ट वाले को, मींस एंड टू एंड, इसके एक एंड से इसके एक एंड को, देन फिर इसके एक एंड से इसके एक एंड को जोड़े कंसेक्यूटिवली लगातार, देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन एक सीरीज में है। देखने से भी लग रहा है R1, R2, R3 एक सीरीज में है। तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, जिसमें हम लोग थ्री रेसिस्टर्स को जोड़े हैं, चार को जोड़ सकते हैं, पांच को जोड़ सकते हैं, दो को जोड़ सकते हैं। तो यहां जितने चाहे उतने हम लोग इसको रेसिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। कंसिडर थ्री रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस फिगर के बारे में बता रहा है कि मान लीजिए कि R1, R2 एंड R3, यहां R1 एक रेसिस्टर है, सेकंड R2 है एंड थर्ड R3, इन तीनों रेसिस्टर्स को यहां हम लोग क्या किए, अरेंज कर दिए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों का अरेंजमेंट कर दिए हैं। उसके बाद यहां पे जोड़ा गया क्या, की मींस स्विच। तो अ सेल, एक सेल और एक की। तो यहां ये की और सेल अटैच्ड हैं इन द सर्किट में, तो वो भी अटैच कर दिया। यहां दिया हुआ है आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहां पे आर वन हम लोग जान रहे हैं ये फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस के बारे में दिया गया है, फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आर वन, या आर टू सेकेंड वाले रेसिस्टेंस को, एंड आर थ्री थर्ड वाले रेसिस्टेंस को। तो इन तीनों के सम को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। और वह भी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये एस डिनोट कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो यह जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री फॉर थ्री रेसिस्टर्स। अगर इससे ज्यादा रेसिस्टेंस हो तो यह आगे तक भी जा सकता है। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या थ्योरी देता है, उसके बारे में यहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। यहां पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो आई है, वो हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट पे ये जो करंट है वो सेम होगा। एंड सेकेंड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रेसिस्टेंस आर डिफरेंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। जैसे यहां पे आप लोग देख रहे हैं V1, V2, V3 तीनों रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स वोल्टेज है। तो अब आज हम लोग जान लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। वही रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेसिस्टेंस का क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां पे जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी रेसिस्टर्स ज्वाइन किया जाए वो सभी, तो ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो अरेंजमेंट जो हम लोग यहाँ पे लाए हैं वो कहां से आया है, इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन, हम लोगों को पता है V1 इज इक्वल टू आई आर वन। यहां अगर V1 पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाए, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मिटा लेता हूं। वैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे
वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर. तो यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वाला लेते हैं वी वन, तो वी वन इज इक्वल टू आई. आई तो हर जगह सेम होगा, हर जगह यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, हर जगह पे आई सेम है, बिकॉज इसके थ्योरी में दिया गया है कि सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किट. सर्किट के हर एक पॉइंट पे आई क्या होगा, सेम होगा. तो वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, रेसिस्टेंस वन के लिए फ्रॉम ओम्स लॉ लिख भी दिया है फ्रॉम ओम्स लॉ. एंड सेकेंड वी टू इज इक्वल टू आई आर टू, वी टू के लिए आई आर टू होगा, वी थ्री के लिए आई आर थ्री, और यह तीनों ओम्स लॉ से आया हुआ है. अब देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स जो टोटल पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, तो V इज इक्वल टू आई आर एस. यहां पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो क्या होगा, आई आर एस मीन्स करेंट इनटू रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है. नाउ V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. यहां पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा. तो यहाँ पे V is equal to V1 plus V2 plus V3, इसको हम लोग क्या मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन. पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे V1 है, V2 है एंड V3 है. इन तीनों का वैल्यू जब हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो इस V1 के जगह पे आई आर वन आएगा, इस V2 के जगह पे आई आर टू आएगा एंड इस V3 के जगह पे आई आर थ्री आएगा. अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करके देखें तो इस I को जो तीनों में है इसको हम लोग कॉमन ले सकते, तो V is equal to I R1 plus R2 plus R3 ब्रैकेट में ले लिए. अब यहाँ पे V is equal to I R S हम लोग यहाँ ले चुके हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to I R S, R S for resultant resistance. तो I R S इस V के जगह पे डालेंगे एंड यहाँ पे ये तो आएगा ही, यहां पे I से I कट जाएगा दोनों तरफ से, तो I से I कट जाएगा. देन आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिया. हम लोग कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है. पहला क्वेश्चन है कि इफ फोर रेसिस्टेंसेस, यदि चार रेसिस्टेंस इच ऑफ वैल्यू वन ओम, जिसके एक की वैल्यू वन ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसको अगर कनेक्ट किया जाए सीरीज में, फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन देखते हैं. एक दो तीन चार, इसको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो ये R1, R2, R3 एंड R4, चार रेसिस्टेंस हम लोग मान लिए, R1, R2, R3, R4, जिसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट भी कर चुके हैं. यहां प्रत्येक वन ओम का है. What will be the resultant resistance? तो resultant resistance क्या होगा? हम लोग जानते हैं. We know that R series, series का है तो series is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. यहाँ चार resistance हैं. One plus one plus one plus one. Then 4 ohm. क्या हो जाएगा हम लोग का? Answer हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. और रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक रेसिस्टेंस 6 ओम का है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज से विद अनदर रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम. किसके साथ? तो अनदर रेसिस्टेंस 4 ओम के साथ. और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. यहाँ पे 20 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है उस कॉम्बिनेशन में, मीन्स जो बैटरी है वो 20 वोल्ट का है या फिर सेल है जो 20 वोल्ट का है. कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑफ 6 ओम रेसिस्टेंस. यहाँ पर हम लोग इसका फिगर बनाते हैं. क्वेश्चन सेकंड का हम लोग फिगर बनाए, तो यहाँ 6 ओम रेसिस्टेंस एक ज्वाइन है किसके साथ, तो 4 ओम रेसिस्टेंस के साथ. और वहां जो सेल है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, तो 20 वोल्ट. यहां ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ये करंट है I, हर जगह पे करंट I होगा.
ये हम लोगों का फिगर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट, क्या करना है कैलकुलेट, द करेंट थ्रू द सर्किट, हम लोगों को करेंट पता करना है, आई पता करना है, किसका, सर्किट का, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है किसका, तो जो 6 ओम रेसिस्टेंस से जा रहा हो। यहां पे ये दो रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अगर यहां देखें तो यहां से यहां तक V1 एक इस R1 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये R2 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, और यहां पे करंट तो सिंगल ही होगा क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट क्या होता है, सेम होता है। यहां पे गिवन क्या क्या हम लोगों को मिला है, R1 is equal to 6 ओम, R2 is equal to 4 ओम, I is equal to what, ये हम लोगों को निकालना है, एंड V is equal to 20 वोल्ट, V1 is equal to what, ये निकालना है। यही दो चीज है जिसके वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है। अब यहां पे हम लोग अगर I की बात करें तो ये किस फॉर्मूले से निकलेगा, V is equal to I R, और ये R क्या होगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा। इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे, RS is equal to R1 plus R2, R1 कितना है 6 ओम प्लस 4 ओम is equal to 10 ओम। तो यहां पे हम लोगों को RS पता चल चुका है 10 ओम, ये 10 ओम पता चल चुका है by ओम्स लॉ, क्या होगा V is equal to I RS, V 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई पता करना है, एंड आर हम लोग को पता है 10, तो आई इज इक्वल टू 20 बाई 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहां पर वो करंट पता चल चुका है 2 एम्पियर, ये एक आंसर हो जाएगा, और दूसरा क्या निकालना है, तो यहां पे एक का हम लोगों को आंसर पता चल चुका है 2 एम्पियर। यहां पे V1 हम लोगों को निकालना है, V1 निकालने के लिए क्या करना होगा, V नो दैट V1 इज इक्वल टू आई आर वन, हम लोग जानते हैं V1 इज इक्वल टू आई आर वन, यहां V1 निकालना है, I पता चल चुका है 2 एम्पियर इंटू R1 तो हमें पता ही है, क्या पता है 6 ओम इज इक्वल टू 12 वोल्ट, then V1 is equal to 12 volt, ये भी answer हो जाएगा। हम लोग को I भी पता चल गया and ये भी पता चल गया, V1 भी पता चल गया 12 volt, ये दोनों answer निकाल लेते हैं तो हम लोग को पता चल गया। आइए अब second combination की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, parallel combination। जैसे पहले हम लोग series combination पढ़े, series combination में हम लोग जाने कि R1 plus R2 plus R3 dot 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 इन सभी को साथ में जोड़ेंगे तो उसका resultant resistance मिलेगा। अब यहाँ पे parallel combination, तो when two or more resistance are connected between the same two points, जब दो या दो से अधिक resistances को जोड़ा जाए दो point के बीच में, और वह दोनों point सभी resistance के लिए क्या होगा, same होगा, then the combination is said to be parallel combination। यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस एंड R3 रेसिस्टेंस, तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहां से अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट से तीनों जुड़ा हुआ है, और उसका सेकंड पॉइंट भी एक ही पॉइंट, मींस की दो पॉइंट के बीच से जुड़ा हुआ, और वह दोनों पॉइंट सभी रेसिस्टेंस के लिए क्या है, सेम है। कंसिडर थ्री रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेसिस्टेंस को अरेंज किया गया है, यहां पे एक सेल एंड एक की मींस स्विच, इन दोनों को भी यहां पे अटैच किया गया है, जो भी लिखा हुआ है यहां 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का होगा, यहां पे RP रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है किसका, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे वेयर आरपी इज इक्वल टू रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को। यहां पे इसमें थ्योरी क्या है,
तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट फॉर एवरी रेसिस्टेंस, प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे R1 के लिए इलेक्ट्रिक करंट I1 है, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3, जबकि टोटल सर्किट में अगर देखा जाए जो कि सेल से जा रहा है जो करंट वो क्या है I, जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा I। इस तीनों सर्किट के लिए अगर बात करें, अगर सिंगल सिंगल सर्किट के सॉरी रेसिस्टेंस, तीनों रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, तीनों रेसिस्टेंस के लिए करंट क्या होगा I, लेकिन सिंगल सिंगल रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सभी रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V है। ऐसा क्यों है कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेसिस्टेंस के लिए सेम हो, जबकि रेसिस्टेंस तो अलग अलग है, सबके वैल्यू अलग अलग भी हो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह दो पॉइंट के बीच का निकलता है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट सभी रेसिस्टेंस के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा सेम होगा। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है जिसको बोल सकते हैं उसको प्रूफ करते हैं। गिवन I1 इज इक्वल टू V बाई R1, ये चीज आया कहां से है यहां भी थोड़ा लिख कर देखते हैं समझते हैं। यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, और अगर I का वैल्यू पता करना है तो I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, तो I1 के लिए V बाई R1, I2 के लिए V बाई R2 एंड I3 के लिए V बाई R3, ये तीनों ओम्स लॉ से ही आया, यहां पे लिखा भी हुआ है फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ एंड फ्रॉम ओम्स लॉ। टोटल करंट क्या होगा जो इन तीनों में सर्किट निकला, यहां से करंट ये तीनों में बट गया I1, I2 एंड I3, ये तीनों फिर से जब आया तो ये तीनों जब एक सर्किट में बना, एक सर्किट में तब्दील हुआ तो यहां पे फिर ये क्या हो जाएगा I आ गया, मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वही चीज यहां पे लिखे हैं टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब टोटल करंट I के लिए V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय R पैरेलल, ये R पैरेलल होगा, यहां पे लिखते V इज इक्वल टू I, V इज इक्वल टू RP रेसिस्टेंस पैरेलल में इज इक्वल टू I1 के लिए इस इक्वेशन से अगर डाला जाए तो V बाय R1, V बाय R2 एंड V बाय R3, ये तीनों हम लोग यहां पे पुट कर दिए। अब इसके बाद इसमें V को कॉमन ले ले तो ये V इस वाले V से कट जाएगा और क्या बचेगा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसी तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहला का सॉल्यूशन बोल रहा है कि 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम रेसिस्टेंस जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, फिगर बना ही लेते हैं। जब पैरेलल में कनेक्टेड हो R1 R2 तब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर 1, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। इसको अगर सॉल्व करें तो 6 2 प्लस 1, यहां पे अगर देखें तो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 213 3 बाय 6, तो आर पी बाय 1 इज इक्वल टू 6 बाय 3, 3 2 जा, इसलिए आर पी इज इक्वल टू 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इन द सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम में गिवन बिलो जो कि नीचे दिया गया हुआ है, फाइंड टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहला तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, R1, R2 एंड R3 तीन रेसिस्टेंस दे दिया गया है,
जो कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ तक सीरीज है यहाँ पे, और इन दोनों को पैरेलल के साथ जोड़कर फिर आर्गन के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। तो ऐसा रिलेशन है। टोटल करंट हम लोगों को निकालना है, जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है आई मान लेते हैं, ये टोटल करंट निकालना है, यहाँ भी आई होगा लेकिन यहाँ पे आई वन एंड यहाँ आई टू होगा। और थर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आर वन से, तो वी वन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मानते हैं, यहां से यहां तक के बीच को हम लोग मानते हैं वी टू। मान लिया ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है आर वन का, ये पोटेंशियल डिफरेंस है आर टू और आर थ्री दोनों का सेम होगा बिकॉज ये पैरेलल है आपस में। इस चीज को हम लोग देखते हैं। आप लोग ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं मिटा देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग देखेंगे। पहला जो है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहां पे पहला टोटल रेसिस्टेंस हम लोग को निकालना। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये जो R1 है वो R2 और R3, ये तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, लेकिन R2 और R3 एक साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग R2 और R3 का निकालेंगे, तो 1 बाई आर पी जो पैरेलल में इसके कारण 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो यहां 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई एट प्लस 1 बाई ट्वेल्व, देन 1 बाई आर पी इज इक्वल टू, यहां इस दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले, अब तो प्लस करने के लिए एलसीएम निकालना होगा, 24 3 प्लस 2, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 5 बाई 24, तो आर पी इज इक्वल टू 24 बाई 5 ओम। ये हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल। अब आर वन के साथ हम लोग इसका सीरीज में निकालेंगे, तो जब इसके साथ निकालेंगे तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा जो सीरीज में होगा वो R1 प्लस RP होगा, R1 प्लस RP। R1 क्या है 7.2 प्लस RP क्या है 24 बाई 5। यहां पर अगर इस पॉइंट को हटाएं ये भी जीरो आएगा। अब इसको अगर काट दें 36 ये 5, इसको फिर से लिख कर देखें तो 36 बाई 5 प्लस 24 बाई 5 सॉल्व करने पे 36 प्लस 24 तो ये 12 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो 12 ओम होगा। सेकेंड में बोल रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यह जो आई है उसको निकालना है। अब यहां पे अगर देखिए तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोगों को पता है, जिसको सीरीज में अगर लिख रहे हैं तो 12 ओम, टोटल करंट पता करना है और टोटल वोल्टेज पता है 6 वोल्ट, तो यहां पे ये हम लोग ले लिए 6 वोल्ट, फिर बाई या फिर एक हाँ बाई ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, देन आई इज इक्वल टू V बाई आर, और V यहां पे 6 है R 12 है R S ले लेते हैं, देन 1 बाई 2 0.5 एम्पियर। यहां पे करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट 0.5 एम्पियर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट जब हम लोगों को क्या निकालना था, टोटल रेसिस्टेंस, तो पहले इस सिस्टम का रेसिस्टेंस निकाले हैं जो कि पैरेलल में है, तो यहाँ पे पैरेलल रेसिस्टेंस निकाले हैं 24 बाई 5 आया, और उसके बाद R1 के साथ जब जोड़े तो रेसिस्टेंस जो टोटल रेसिस्टेंस निकला हम लोग का 12 ओम, जो कि फर्स्ट वाला का आंसर हो गया। सेकंड वाला का आंसर, सेकंड में क्या पूछ रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो टोटल करंट सर्किट में फ्लो होगा वो, तो यहाँ पे RS हम लोग को पता है 12 ओम, I निकालना है V is equal to 6 volt by ohms law, V is equal to IRS, I is equal to V by RS is equal to 6 by 12 is equal to 1 by 2 is equal to 0.5 ampere।
एंड थर्ड जो तीसरा है उसको अगर देखें तो बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, अक्रॉस आर वन, आर वन के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो क्या होगा, यानी कि वी वन क्या होगा। आर वन पता है हम लोगों को क्या है, 7.2 ओम। आई पता है हम लोगों को 0.5 एम्पियर। एंड निकालना क्या है, वी वन, तो वी वन इज इक्वल टू व्हाट, फिर बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के द्वारा क्या, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन, वी वन इज इक्वल टू आई 0.5 है इंटू 7.2 पॉइंट, दोनों हटाएंगे दो जीरो नीचे आएगा, वी वन इज इक्वल टू, अब इससे जब इसमें गुना करेंगे तो 5 2 10 0, 5 7 35 136 बाई 100, जीरो से जीरो कट गया, 3.6 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे तीन आंसर आए, फर्स्ट वाला का आंसर क्या आया 12 ओम, सेकेंड वाला का आंसर 0.5 एम्पियर, एंड थर्ड जहां पे हम लोगों को वी वन का वैल्यू निकालना था वो क्या आया 3.6 वोल्ट। यही हो जाएगा जो कि इसका सॉल्यूशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसका अभी तुरंत हम लोग जो है सो क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की चर्चा की है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड, जब रेसिस्टर्स कनेक्ट किया जाए या फिर कनेक्टेड हो इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल दोनों में, इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों में जब रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो उस कनेक्शन को, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो यहां R1, R2, R3, ये R1 रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस एंड R3 रेसिस्टेंस, ये तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पर अगर देखा जाए तो सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पे R4, R5 एंड R6 ये भी सीरीज में कनेक्ट है, और यहां पे R7, R8 और R9 भी सीरीज में कनेक्टेड है, और ये तीनों सीरीज पैरेलल में कनेक्ट है। यहां RS1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो सीरीज 1 है उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 है, सीरीज 2 में R4 प्लस R5 प्लस R6 है, एंड सीरीज 3 में R7 प्लस R8 प्लस R9 है। ये तीनों फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन रिजल्टेंट रेसिस्टेंस सीरीज का निकल गया, और इस तीनों रेसिस्टेंस को यहां पे पैरेलल में जोड़ा गया, इसलिए जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का होगा वो क्या होगा, 1/RP = 1/RS1, 1/RS2 एंड 1/RS3। यहां पे 1/RP इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस है उसको दर्शा रहा है। तो यही होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। अब इसके बाद हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।